As I told you that we would be now moving towards the grammar section. So I'm starting the grammar today, and the concept which I'm taking is the one which you have already done. Still I'm doing it, that is subject to verb concord, that is subject to verb agreement. We had done this particular concept in our 9th standard also. And this is part of your grammar, which is not going to end over 10th standard. In fact, you would be surprised to know that this concept will be there even if you are giving the competitive exams. Right now, my 12th standard is also giving the competitive exams. They are also going to have the same. This is a very basic concept. जैसे मैं बात कर रही हूँ रमा, राइट, द टीचर. सो वी हैव टू सी व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट, मतलब किसके बारे में. समटाइम्स इट मे बी अ पर्सन, समटाइम्स इट मे बी अबाउट अ ग्रुप, समटाइम्स इट मे बी अबाउट अ बिल्डिंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ब वी यूज. द बेसिक रूल इज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, तो नेचुरल है कि हम यूज करते हैं इज, वी यूज हैज, वी यूज गोज, वी यूज दिस वन. एंड इफ इट इज प्लूरल तो देन वी यूज आर, वी यूज हैव, वी यूज गो इन द प्रेजेंट टेंस, राइट. बट देर आर सम सेंटेंसेस विच रिक्वायर, समटाइम्स इट हैपन्स दैट इट इज द मोस्ट वॉट वी कॉल एज एरर प्रोन सेंटेंसेस. कई बार द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज, आई बी टेकिंग अप द रूल्स वन बाय वन, बट अ सिंपल एग्जाम्पल इज, इफ आई हैव टू से नाउ होता क्या है, द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इट, दे वुड बी लुकिंग फॉर दिस वन. अब हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, वेदर शी इज द सब्जेक्ट और द स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट. यहां हमारा है मेरे सारे बच्चों में वो सबसे अच्छी है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट. वन ऑफ द मतलब कि जब ये वर्ड आ गया है मेरे पास में ऑफ द, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट शी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स. तो द बेसिक रूल इज दैट यू शुड नो व्हाट इज द सब्जेक्ट अबाउट. सो व्हेन यू आर हैविंग योर ग्रामर विच मे बी एरर, दैट इज आपका एडिटिंग या ओमिशन जो आएगा, एडिटिंग जो आएगा आपका, उसमें सब्जेक्ट टू वर्ब जो है दैट इज अ पार्ट. यू मे बी हैविंग इट एज अ पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, or you may be having it as a part of error detection, that is editing. So the very first thing which you should always keep in mind is subject to verb agreement. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि what is the subject about, and then you can use the appropriate verb. आप सबको वर्ब पता है, यू ऑल नो, दे है तो आर यूज होगा, दे है तो वर यूज होगा, यू नो दैट. बट बेसिक प्रॉब्लम आ जाती है व्हेन वी हैव टू यूज द सब्जेक्ट. वन मोर कंफ्यूजिंग इज
very common one. She along with her brothers gone out. Now what happens is यहाँ brothers भी हैं she भी है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम she के बारे में बात कर रहे हैं या brothers के बारे में बात कर रहे हैं? Now at one go what most of the students do is उन लिखते हैं हर brothers हैं तो ठीक है have आना चाहिए क्योंकि brothers लिखा हुआ. No, पढ़िए आप she along with her brother. We are talking only about she. तो यहाँ पर हमारा has आना चाहिए. That means the verb, sorry, the subject here is singular. She. We are talking about she. We are not talking about her brothers. वो अपने भाई के साथ गई है. वो सब गए हैं नहीं बोला हमने. वो गई है. We are talking only about she. So this is what we call as subject to verb agreement. The very first is जहां हमारा पहला जो हमने किया है ऊपर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर एग्जाम्पल we here are talking about a bouquet. We are not talking about the flowers. We are talking about the bouquet. A bouquet. A is singular. And we are talking here about the bouquet of flowers. Flowers ka bunch. So a bouquet. We are not talking about flowers. We are talking about a bouquet. So jahan likha hua of the. Aise sentences aate hain. Jaise ki मैंने आपको पहले बताया ईच ऑफ द बॉयज है ना भाई कृष्णा राइट है ना ईच ऑफ द बॉयज डैश टू बी पनिश्ड. यहां पर अगर हमारे पास है चॉइस है नीड नीड्स द चॉइस इज नीड एंड नीड्स तो हेयर इट इज नीड्स ईच ऑफ द बॉय बॉयज नीड्स टू बी पनिश्ड. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ईच सिंगुलर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉयज. अगर यहां लिखा हुआ होता ऑल द बॉयज तो होता नीड टू बी पनिश्ड लेकिन यहां हमने लिखा है ईच ऑफ द बॉयज बॉयज में से हर एक बॉय को पनिश किया जाना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट रूल इज वेर एवर यू आर हैविंग द सेंटेंसेस विद द विद ऑफ द और यू हैव टू गिव अ पार्ट ऑफ अ बुके ऑफ शी इज वन ऑफ each of the boys so you need to look that what is the subject jaise iske andar subject hamara a bouquet hai yahan hamara each hai to jo hamara verb hoga that would be pertaining to singular jo hum singular ke sath use kar rahe hain wahi verb hamara jo hai iske sath bhi jayega that is a very first rule. The second rule is और भाई इफ द वर्ड्स sorry if the sentences are having the words like neither nor either or
तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए जो The choices was or were. Neither the boys nor their parents. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर मतलब जो nor के बाद जो लगा है, nor के बाद जो लगा है वो singular है या plural, उसके according हमारा verb लगेगा. Neither the boys nor their parents. तो पेरेंट्स आपका जो है दे आर प्लूरल, तो दैट वुड बी वर, दैट वुड बी वर. और अगर यही सेंटेंस, द सेम सेंटेंस इज लाइक दिस, neither the boys nor the guard. Now here the guard is singular. यहाँ हमारा जो guard है वो singular है, तो इसके साथ में हमारा is या was means depending on the tense of the sentence. जैसे यहाँ it is given in the past tense, so was there. Was there. So this is rule number two. This is rule number two. जब भी आपके पास सेंटेंस आ रहे हैं विद द वर्ड्स नीदर नॉर, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, नीदर आई नॉर माई फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, नीदर माई फ्रेंड्स नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट. तो फ्रेंड्स पहले लगा और आई बाद में लगा, तो आई के साथ जो आएगा वो लगेगा. और आई पहले लगा और फ्रेंड्स बाद में लगा, तो फ्रेंड्स के साथ जो लगेगा दैट वुड कम. दिस इज द रूल, एंड दिस रूल वी आर यूजिंग नॉट ओनली एज अ पार्ट ऑफ अवर ग्रामर, इट मीन्स वेर एवर यू आर हैविंग द लिटरेचर सेक्शन देयर ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर. जैसे आपके नेल्सन मंडेला वाले जो चैप्टर है उसमें भी आता है, उसमें भी आता है. आई विल गिव दिस एग्जांपल. In the first I said either I or my friends, yani ki or ke baad jo hamara subject hai that is the main subject, to yahan par aayega or. And if it is taken likha hota to have taken. Either my friends or my cousin, to my cousin is singular.
So you have to see in subject, sorry, in the sentences where you are having the words like either or neither nor, वहाँ पे हम लोगों को जो है वी हैव टू सी जो कि आपके नॉर या आर और के बाद जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा. नाउ रूल नंबर 3, टू सब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड बाय और, मतलब सेम आपका, जैसे कि माय आंट माई आंट और हिज सन अराइव्ड टूडे, और हमारा जो ऑप्शन है वो है हैज या हैव, हैज या हैव. तो वॉट वी आर गोइंग टू टेक इज, वी वुड बी टेकिंग, क्योंकि और जो आपका सॉरी और जो है दैट मीन्स दे आर ओनली चॉइस. माई आंट सिंगुलर, हिज सन सिंगुलर. तो हर सॉरी इट इज हर, आई एम सो सॉरी, और हर सन हैज अराइव टुडे. हैज इज यूज विद सिंगुलर, सन के साथ, शी के साथ, आंट के साथ, तो वी आर यूजिंग द सिंगुलर वर्ब दैट इज हैज. अगर ये एंड होता माय आंट एंड हिज हन हर सन तो इट वुड हैव बीन हैव. अगर यही हमारा जो सेंटेंस है इट इज टू सब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद एंड, that means two people, because and is joining two things. इट इज़ नॉट अ चॉइस. वो दो हो गए, आंट और उनका बेटा, आंट और उनका बेटा यानी कि दो जने हो गए, और दो जनों के साथ यानी कि दैट विल बी प्लूरल. सो विद देम वॉट एवर द प्लूरल इज यूज, यहाँ पर आर वर हैव दैट वुड बी यूज. अगर यहाँ सेंटेंस होता माई आंट एंड हिज सॉरी एंड हर सन डैश अराइविंग टूडे, तो आर अराइविंग टूडे, are arriving today. And the same sentence if it was one in past tense, my aunt and her son dash arrived yesterday, had arrived yesterday. And if it was something in continuous, were supposed to arrive yesterday, were, because it is joined with the conjunction and. Because it is joined with the conjunction and. This means we are now having two subjects. यहाँ हमारा subject एक है. जब हमने और use किया तो हमारा subject एक है. जैसे हम बोलते हैं चाय या coffee, तो हम एक ही चीज़ को पीने के लिए बोल रहे हैं, तो चाय या coffee. तो that is one. इसीलिए वहाँ पर हमने has या फिर is वो use करते. यहाँ हमारे दो subjects हैं. So that means we have to use whatever is used with the plural.
this is brackets. Sometimes we want to say the governor. लेकिन हमने गवर्नर के साथ में इन द पैरेंथेसिस वी आर ऑल्सो यूजिंग एंड हिज एसोसिएट्स. तो ये जो गवर्नर लिखा है दैट इज अ सब्जेक्ट. दिस इज अ सब्जेक्ट एंड पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के पार्ट नहीं होते हैं. तो यू शुड नॉट कन्फ्यूज दिस विद द गवर्नर एंड हिज एसोसिएट्स. लिखा है तो वी हैव टू यूज अ प्लूरल. यहाँ पर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द गवर्नर. सो वॉट एवर वी हैव टू यूज विद गवर्नर दैट इज और हैज दैट वुड बी यूज. द गवर्नर इज कमिंग टूडे. द गवर्नर हैज अराइव्ड. जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है विच इज रिटन इन द ब्रैकेट्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. Sometimes we have some compound nouns. Even though they are joined with hand. They are joined with and, but still ये जो bread and butter, nail and hammer है इनको हम लोग compound nouns बोलते हैं. मतलब ये साथ में चलते हैं. So whatever is used with the singular subject that has to be used. Bread and butter is a good breakfast. It is not bread and butter are a good breakfast. Bread and butter is a good breakfast because this is a compound noun. This is a compound noun. There are certain words which are used as a compounded nouns. So bread and butter, nail and hammer, they always go together. They always go together. Sometimes we may be having certain quantity or speed or units. Like yahan pe hai 7 miles. Now 7 miles is completely a single unit. Ye hamara jo hai ek complete single unit hai. 100 miles. 7 miles. This is a single unit. Ye alag alag nahi hai. To inko hum log jo hai सिंगुलर में लेकर चलते हैं. दिस इज अ सिंगल यूनिट. वी यूज इज और हैज वॉट एवर. हाँ नो नो माइल्स इज अ डिस्टेंस. माइल्स इज अ डिस्टेंस. 7 miles इज नॉट अ बिग टास्क. 100 miles इन अ डे इज नॉट अ गुड जोक. Sometimes your sentence starts with here.
Sometimes it starts with their. Sometimes we use is. Sometimes we use are. So what is the difference? यहाँ हमें हेयर या देयर नहीं देखना है. Whatever it is, here or there, whatever we are using, we will not be using. ऐसा कोई rule नहीं है कि here के साथ is use हो रहा है, there के साथ are use हो रहा है. No, we need to look for this, क्योंकि this is the subject here. हमारा जो subject है वो ये है. हमारा subject here या there नहीं है. उसके बाद जो लिखा हुआ है, that is the subject. In the above sentence, it is written here dash the book. It is singular. तो यहाँ हमारा is आ जाएगा. यहीं पर अगर हमारा the books लिखा हुआ होता तो are आ जाता. There are the books you asked for. और यहीं पर अगर the book लिखा हुआ होता तो there is the book you asked for. यानी कि the subject is never here and there. The subject is lying after the verb, whatever the verb will, sorry, after the, whatever the subject would be, the book, the keys, the bottles, kuch bhi ho. If it is in singular, we use is. If it is in plural, we use are. This is one of the, again, one of the common mistakes that we use. The next one, rule number 9. We often come up across such words a lot, 50%, 60%, 70%, anything, all, some. तो इसमें हम कैसे use करते हैं? If our sentence is starting with say all, it is starting with all.
Now we have some of the words like a lot, all, some. Yes, in a general we would say that all is used for a whole. Whereas some, thoda sa. But we are not going to look for these words. We would be in fact looking for these. This is the subject. The pies, the pie, the boys, here, जो मैंने सबसे पहले आपको एक रूल बताया था ऑफ द आया, लेकिन यहाँ पर व्हाट वी हैव टू सी इज हेयर वी हैव टू सी द पाइज, द पाई, ऑल ऑफ द पाइज, तो दैट इज प्लूरल. व्हाट एवर वी आर यूजिंग विद प्लूरल आर हैव एंड ऑल ऑफ द पाई, दैट मीन्स अ सिंगल यूनिट, दैट इज or has. All of the boys, a boy to aa hi nahi sakta, hai all the boys, the same thing is some of the pie. Pie is singular, yani ki kuch bhi jo word aapka aayega. Here I have used pie, but whatever the word comes over here, whether it is pie or pies, now there will be two kinds of sentences. One is the population एक हमारा सेंटेंस आएगा ऐसा द पॉपुलेशन द फैमिली द ज्यूरी द क्लास मीन्स विच आर यूज्ड इन कलेक्शन कलेक्टिव नाउन तो इफ इट इज यूज्ड एज द यहाँ पर द पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन यानी कि द पॉपुलेशन हेयर इट इज द व्हाट सब्जेक्ट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज फैमिली यानी कि हिज फैमिली हेयर इज द सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये दोनों जो है वी वुड बी टेकिंग इट एज अ सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे द पॉपुलेशन इज लिटरेट हिज फैमिली रिसाइड्स इन दिल्ली फैमिली सिंगुलर है द क्लास ऑफ बॉयज इज नॉटी तो द क्लास इज यूज इन द वेरी बिगनिंग स्टार्टिंग में यूज हुआ है एंड इट इज अ कलेक्टिव नाउन बट कभी कभी हमारे सेंटेंस में क्या होता है वी माइट बी हैविंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन Most of the jury तो ऐसा में मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लॉज डिपेंड्स ऑन राइटर्स इंटेंशन तो ऐसे में हमारा वी यूज हम इस भी यूज कर लेते हैं मतलब कुछ राइटर्स इस भी यूज करते हैं कुछ राइटर्स
आर भी यूज करते हैं. दैट डिपेंड्स फ्रॉम वन बुक टू अनदर बुक, वन राइटर टू अनदर राइटर. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट. मोस्ट ऑफ द ज्यूरी वर एब्सेंट. मोस्ट ऑफ द ज्यूरी वॉज एब्सेंट. आई ऑलवेज गो विथ सिंगुलर क्योंकि ज्यूरी इज कलेक्टिव, इसीलिए मैं सिंगुलर में जाती हूँ. बट येस इट डिपेंड्स ऑन अ राइटर्स इंटेंशन. मतलब ये रूल है ग्रामर का, नॉट माई रूल. आई हैव नॉट मेड दिस रूल, दिस इज अ ग्रामर रूल कि हम लोग जो है दैट डिपेंड्स कि हम क्या यूज करें. Whether we are going to use is or we are going to use singular or we are going to use plural. Lekin it is starting with, if it is starting with a collection noun, this is the class. The class. So then we are using whatever is used with singular. The class is sitting quietly. Ab class mein bachche baithe hain. लेकिन हम बच्चे नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे क्लास को एक बोल रहे हैं. तो द क्लास इज सिटिंग क्वाइटली. द क्लास वॉज सिटिंग क्वाइटली. द क्लास हैज सेटल्ड डाउन. तो वी यूज द सेम वर्ब विच वी विल बी यूजिंग विद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट. Here, when we are having, वैसे तो देखो I के साथ हम यूज करते हैं was. I के साथ हम यूज करते हैं was. But if some words like if is used. अब ये जो if है ये बता रहा है wish. आपका एक chapter भी है I think इस साल है या फिर पिछले साल था, if I were you. If I were you. अगर मैं तुम्हारी जगह होता. तो यहाँ पर जो मैंने वर यूज किया है दिस इज नॉट बिकॉज आई के साथ मुझे प्लूरल यूज करना है. यस, मुझे आई के साथ प्लूरल नहीं यूज करना है. दिस इज एक्चुअली अ विश और समथिंग विच इज अ कंट्रास्ट फैक्ट. कोई ऐसा फैक्ट जो बिल्कुल ऑपोजिट हो, वहां पर वी यूज the singular one or plural depending on. जैसे कि expressing if I were you, यानी कि मैं तुम्हारी जगह पे होता. if I were in your place, I was in your place, if I were in your place. तो जो if है that is telling that we are here denoting something which is a wish, which is something a wish. The foreman demanded or wished that
वैसे तो सॉरी विथ जो वी यूज वॉस एनीथिंग विच इज इन द प्लूरल सिंगुलर जो वियर्स हमारा यहाँ पर जो वर्ब है वो है वियर और वियर्स वैसे तो जो के साथ जो है वी विल बी यूजिंग वियर्स बट हेयर अगेन द फोरमैन डिमांडेड यहाँ पर जो डिमांडेड है दिस इज नॉट डिमांड दिस इज अबाउट द विश दैट जो वियर हिज सेफ्टी पैंट्स दिस इज वन मोर एंड ये याद रखना दिस इज समवॉट विच यू माइट हैव नॉट डन There are three different sentences. Four different sentences. Sometimes we will be having two subjects. लेकिन हमें वही जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था when I started the
दिस रूल. तो आई सेड दैट समटाइम्स इट इज अलोंग विद, हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं. सो दिस इज द लास्ट रूल. वी हैव टू सी एक्साइटमेंट एज वेल एज एंगजाइटी. तो यहाँ पर हम एक्साइटमेंट एंड एंगजाइटी नहीं बोल रहे हैं, एंगजाइटी के साथ एक्साइटमेंट, एंगजाइटी के साथ एक्साइटमेंट. तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट. तो इसीलिए वी आर यूजिंग इज, वी आर यूजिंग इज. वी विल नॉट से एक्साइटमेंट एज वेल एज एंग्जाइटी आर नॉट अ. और यहाँ पर आप दूसरा है, समटाइम्स यू विल ऑल्सो हैव सच वर्ड्स इन द एडिटिंग. यू कैन सी अ लिखा हुआ है तो इज आ जाएगा. द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद हिज टीम मेंबर्स, उसमें हमारा था और या नॉर. तो हमने जो नेक्स्ट लिखा हुआ है और या नॉर के बाद जो लिखा वो पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना पॉलिटिशियन जा रहा है अपने टीम मेंबर्स के साथ. तो हैज गॉन, हैव गॉन नहीं, हैज गॉन. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस देर आर टू सेंटेंसेस विद द वर्ड बिसाइड्स. बिसाइड्स द बॉयज ऑल्सो आर गोइंग, क्योंकि यहां पर हमारा जो है बॉयज. लेकिन इस वाले सेंटेंस में द पॉलिटिशियन बिसाइड्स हिज टीम मेंबर्स डैश ऑल्सो गोइंग. तो यहाँ पर हम लोगों को जो है ये देखना है कि टीम मेंबर्स के अलावा पॉलिटिशियन जा रहा है. वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियन. द पॉलिटिशियन अपने टीम मेंबर के अलावा पॉलिटिशियन भी जा रहा है. तो दिस यानी कि इन होल व्हाट इज दैट इज कि आपको ये समझ आना चाहिए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सब्जेक्ट अबाउट. आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है. If the subject is plural, then definitely you will be using everything in plural. But if the subject is denoting something which is singular, तो जब भी आपके questions ऐसे आते हैं, maybe it may be in the error detection, it may be in the editing, तो what you have, or it may be fill in the blanks, so what you have to do is, आप उसे पढ़िए, उसे हिंदी में एक बार समझ के देखिए. The politician along with his, politician अपने member के साथ जा रहा है. पॉलिटिशियन और उसके मेंबर जा रहे हैं नहीं, जा रहा है. तो यहाँ हमारा जो है वी आर यूजिंग इज या हैज वट एवर या वॉज जो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस. सो दीज आर द रूल्स वॉट वी कॉल फॉर. सब्जेक्ट टू वर्ब कॉनकॉर्ड बोलिए, सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट बोलिए. दीज आर द मेन रूल्स.